कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड। कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड्स कंजिस्ट होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, जिसको एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में माउंट किया जाता है किसी भी गैस के लो प्रेशर पे। हमारी गैस नियॉन, आर्गन, हीलियम कोई भी हो सकती है जो कि जिसका लो प्रेशर हो हमारे ट्यूब के अंदर। इसमें कोई हीटर कंबाइन नहीं होता, इसलिए हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए कॉस्मिक रेज, सन रेज, लेज़र रेज, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसे कोल्ड कैथोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैथोड के साथ कोई हीटर कंबाइन नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कोल्ड कैथोड कुछ इस तरह का होता है, जो इनर रोड है वो एज ए एनोड वर्क करती है और बाहर वाली हमारी एज अ कैथोड वर्क करती है, और ये हमारी पिंस है। इसमें हम कोई हीटर कंबाइन नहीं है, इसमें हम किसी रेज का यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए और आयनाइजेशन करने के लिए। ये है हमारा कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड का सिंबल, जिसमें अपर साइड डॉट वाली साइड हमारी एनोड है, डाउनवर्ड साइड हमारी कैथोड है। ये हमारी लोड रेजिस्टर के साथ एनोड हमारी लोड रेजिस्टर के साथ कंबाइन है, और हम डीसी सप्लाई देते हैं पॉजिटिव साइड से जो कि हमारे एनोड की तरफ मूव करती है। और ये वोल्टेज हमारी जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ये हमारी वी से शो की हुई है। और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है हमारा कोल्ड कैथोड के थ्रू, वो होता है हमारा EB, जिसको हम EB से डिनोट करते हैं। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप बताता है अक्रॉस द कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड। हमारा जो करंट है वो DC पॉजिटिव से सप्लाई करते हैं जो एनोड की तरफ मूव करता है, और कैथोड से फ्लो करता हुआ रिटर्न आता है। इसमें तीन तरह के हमारे डिफेक्ट्स आते हैं, तीन तरह के डिस्चार्ज आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टाउनसेंड डिस्चार्ज, जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शो किया गया है, यानी कि लोअर डॉट से अपर डॉट तक जो डिस्चार्ज है उसे टाउनसेंड डिस्चार्ज कहते हैं। सी से डी पॉइंट तक जो डिस्चार्ज शो किया गया है उसे नॉर्मल ग्लो बोलते हैं, और डी से आगे जो है उसे डी से ई पॉइंट तक उसे एबनॉर्मल ग्लो बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टाउनसेंड डिस्चार्ज की। हमारे कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड में टाउनसेंड डिस्चार्ज होता क्या है। जब हम अपने कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड में बहुत ही कम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, इस कंडीशन में ट्यूब बहुत कम कंडक्ट करती है, और इसलिए कंडक्शन हमें दिखाई नहीं देती, यानी कि हमें कैथोड पे कोई लाइट दिखाई नहीं देती। इसलिए इस टाइम पे जो करंट होता है उस करंट को डार्क करंट भी कहा जाता है, और इसको ही हम टाउनसेंड डिस्चार्ज बोलते हैं। ये हमारा वोल्टेज और एम्पियर के बीच में ड्रॉ किया हुआ ग्राफ है। जो हमारा ए से बी पॉइंट तक शो किया गया है, ये हमारा टाउनसेंड डिस्चार्ज है, जिसपे वोल्टेज बहुत लो है और हमारे कोई भी कंडक्शन दिखाई नहीं देते, जिसे डार्क करंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल ग्लो, यानी कि जो हमारा सी पॉइंट से डी पॉइंट तक का शो किया गया है। नॉर्मल ग्लो क्या होती है, जब हम अपनी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कॉस्मिक रेज, सन रेज, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। जो पर्टिकुलर वोल्टेज तक पहुँचते हैं, जिस वोल्टेज पे आयनाइजेशन स्टार्ट होती है, उसे हम आयनाइजेशन वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। जो ट्यूब करंट होता है वो क्या होता है, राइज होता है, बढ़ता है, जिससे वोल्टेज जो होती है, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होती है, जिसको हम EB से डिनोट किया था कोल्ड कैथोड के थ्रू अक्रॉस, वो क्या, वो लो हो जाती है। इसलिए बिकॉज ऑफ डिक्रीज, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है ट्यूब का, जिससे जो आयनाइजेशन होती है वो हमें कैथोड पे दिखाई देती है, यानी हमारे कैथोड ग्लो करता है, और ग्लो करने की वजह से ही हम इसे ग्लो डिस्चार्ज भी बोलते हैं। जब हम वोल्टेज सप्लाई को रेगुलरली इंक्रीज करते रहते हैं, इससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है और वोल्टेज ड्रॉप भी होता है, जो कि जो हमारे सीरीज रेजिस्टर R जुड़ा हुआ था उसके थ्रू शो किया जाता है। लेकिन जब वोल्टेज
ईबी जो हमारी ड्रॉप हुई है कोल्ड कैथोड के अक्रॉस वो कांस्टेंट रहती है. दैट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए. अगर हम करंट को ऐसे ही करंट को इंक्रीज करते रहेंगे तो हमारा जो कैथोड सरफेस है वो भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा. जैसे कि हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया जो होता है आयनाइजेशन का, वो हमारे कैथोड से एनोड के बीच में है, जो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया के. ये है हमारी नॉर्मल ग्लो. नेक्स्ट है हमारी एबनॉर्मल ग्लो, जिसको आर्क डिस्चार्ज भी बोलते हैं. अगर हम सप्लाई को फर्दर इंक्रीज करते रहें तो हमारा कैथोड क्या करेगा, हमारी जो कैथोड ग्लो करेगा सरफेस पे, लेकिन जो हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है वो इंक्रीज नहीं करेगा. इस रीज़न को हम एबनॉर्मल ग्लो रीज़न बोलते हैं. अगर हमारा करंट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो डिस्चार्ज क्या होगा, फर्दर इंक्रीज होगा. और डिस्चार्ज को जो हमारा होता है उसको हम आर्क डिस्चार्ज बोलते हैं. और ये जैसे ही हम करंट सप्लाई करते रहते हैं यानी ज़्यादा करंट की वोल्टेज की सप्लाई होती है तो उस डिस्चार्ज को आर्क डिस्चार्ज या एबनॉर्मल ग्लो बोलते हैं, जिसमें हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया फर्दर इंक्रीज नहीं होता. लेकिन नॉर्मल ग्लो में हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इंक्रीज होता है. लेकिन अगर हम ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे, रेगुलर देते रहेंगे, तो उसे हमारा एबनॉर्मल ग्लो प्रोड्यूस होगी जो डी पॉइंट से ई पॉइंट तक शो की गई है. ये है हमारी कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड. और कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड की कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले है हमारा वोल्टेज रेगुलेटिंग ट्यूब. कोल्ड कैथोड गैस फील्ड डायोड हमारा वोल्टेज रेगुलेटिंग ट्यूब की तरह भी काम कर सकता है. ये हमारा पोलैरिटी इंडिकेटर्स को शो करता है, यानी कि हम इंडिकेटर्स को शो करवा सकते हैं. और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह भी काम करता है. हाई सप्लाई पे हम आज अगर हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं तो हमारा कैथोड ग्लो करने लग जाता है, और अगर हमारी कम सप्लाई है तो कैथोड ग्लो नहीं करता. इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह भी काम करवा सकते हैं. ये है हमारी कोल्ड कैथोड डायोड की एप्लीकेशंस. थैंक यू.